सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश के कुछ अहम और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्री राशन के लिए नया नियम निकाला गया है। वहीं पर सीएम योगी ने कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में कई बड़ी जानकारी सामने आ गई है, यानी कब आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट और कई तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें पहले खबर की, तो महंगाई का एक और झटका। अगले महीने से महंगे हो जाएंगे आटा, ब्रेड, बिस्किट समेत ये प्रोडक्ट। इसका कारण भी आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें, महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए एक बुरी खबर है। आम आदमी को अगले महीने यानी जून से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। जहां एक तरफ रसोई गैस सिलेंडर और खाने के तेल समेत कई जरूरी चीजों का दाम आसमान छू रहा है, तो वहीं अब आटा, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने प्रोडक्ट का दाम भी अब बढ़ने वाला है। दरअसल महंगाई की मार गेहूं की कीमतों पर जबरदस्त नजर आ रहा है। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस साल 2022 में अब तक गेहूं की कीमत 46% तक बढ़ गई है। वर्तमान में मार्केट में गेहूं एमएसपी से खरीद 20% महंगा बिक रहा है। ऐसे में गेहूं से बने प्रोडक्ट, ब्रेड, बिस्किट, आटा और आटे से बने प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे। किसान कर्ज माफी योजना 2022। जी हां, यूपी के 33,000 किसानों को बड़ी राहत। 200 करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ और सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। अन्नदाताओं की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जतन कर रही है। सही मूल्य पर फसलों की खरीद, अत्याधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराने के साथ साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अब 33,000 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की तैयारी है, जो 5 साल से ये राह देख रहे थे। कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। मुहर लगने के बाद राज्य के 19 जिलों के किसानों को 200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य तेल, चना, नमक की आपूर्ति नदारद है। इस वजह से कई जगहों पर राशन वितरण नहीं हो रहा है। आपको बता दें, सहारनपुर जिला हो, गोरखपुर जिला हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो या सुल्तानपुर हो, कहीं पर भी खाद्य तेल, चना और नमक की पूरी आपूर्ति नहीं होने के कारण जनपद में राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के राशन के साथ जो चना, तेल, नमक मिलना था वो नहीं मिला। बता दें, 12 मई तक इस योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण होना है। अब ऐसे में खाद्यान्न वितरण का इंतजार कर रहे राशन कार्ड धारकों को उचित दर विक्रेताओं के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक राशन नहीं मिला। दोस्तों, शासन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी जिलों में 29 अप्रैल से 12 मई तक राशन वितरण का कार्य शुरू करने का आदेश दिया था, जिसमें अंत्योदय पात्र व्यक्ति वालों को गेहूं, चावल के साथ चना, तेल, नमक देने की बात सामने आई थी। लेकिन अभी तक राशन में चना, तेल, नमक नहीं मिला। गेहूं, चावल तो कोटे की दुकान पर पड़ा है, लेकिन अभी तक चना, तेल, नमक की आपूर्ति न होने की वजह से ये भी राशन नहीं मिल पा रहा। खाद्यान्न वितरण ई पॉस मशीन के माध्यम से होने के कारण राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल का वितरण भी चना, तेल, नमक के साथ होना है, क्योंकि चना, तेल, नमक की पैकेट नहीं है। इस वजह से गेहूं, चावल का भी वितरण नहीं हो रहा। तो वहीं पर राहत पहुंचाने के लिए सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी योजना आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है। यानी आपको बता दें, अब राशन कार्ड धारकों को तय समय पर राशन की दुकानों पर आवंटित अनाज का वितरण हो सकेगा। कार्ड धारकों को राहत पहुंचाने के लिए जिले के अकबरपुर व भियाओं ब्लॉक में सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ सोमवार से हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नियम लागू हो गया है। नई व्यवस्था से कोटे की दुकानों में न सिर्फ समय पर खाद्यान्न बंटेगा, बल्कि घटतौली की परेशानी भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में परीक्षा की 2,25,00,000 कॉपियां चेक हुई हैं। 16 दिनों में जांची गई हैं ये सारी कॉपियां। जानिए कब तक आएगा रिजल्ट। अगर आप उत्तर प्रदेश के 10वीं 12वीं के छात्र हैं तो जरा इस बात को आप ध्यान से समझें, क्योंकि यूपी बोर्ड रिजल्ट अब मई या फिर जून के पहले सप्ताह में आ सकता है। दरअसल यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं 12वीं की बोर्ड कॉपियां जांच चुका है। चेकिंग संपन्न हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियों की जांच 8 मई को ही संपन्न हो गई। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट की घोषणा जल्द की जाएगी। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से 13 अप्रैल तक चली थी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में करीब 50,00,000 से ज्यादा छात्र बैठे थे। परीक्षा का आयोजन 8,873 केंद्रों पर हुआ था। अब कब तक जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट, आप ध्यान से सुन लें। यूपी बोर्ड रिजल्ट की कॉपियां जांचने का कार्य संपन्न होने के बाद रिजल्ट की घोषणा मई के आखिरी सप्ताह में यानी 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में या फिर जून के पहले सप्ताह में आना तय है। हालांकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी ने ये बात कन्फर्म की है कि आने वाले समय में रिजल्ट आ जाएगा। सीएम योगी का आदेश है, ज्यादा कोरोना केस वाले शहरों में मास्क को लेकर करें सख्ती। जी हां, सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। टीम 9 की बैठक में अधिकारियों के साथ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने निर्देश जारी किया है। आप बता दें, उत्तर प्रदेश में 305 से ज्यादा नए मामले सामने आए। गौतमबुद्ध नगर में 124, गाजियाबाद में 41, लखनऊ में 23 और आगरा में 20 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, वहां पे भी तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और निर्देश जारी किया है। जहां पर भी संक्रमण बढ़ रहा है वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य किया जाए। तो अब मास्क लगाने पर यूपी में सख्ती बढ़ सकती है और आने वाले समय में जुर्माना भी लग सकता है। सो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।